हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करेंगे न्यू वैकेंसी के बारे में, किसमें आई है वैकेंसी। तो वैकेंसी की बात करें तो फिलहाल SBI PO में वैकेंसी आई है। तो इसमें क्या क्या मांगा है क्या क्या नहीं हम आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। फिलहाल जो बात करें पोस्ट की, जिसमें 1673 पोस्ट है। और जो अप्लाई की बात करें तो फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, कब होगी लास्ट डेट, तो आपकी जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो होंगे 22 सितंबर से। 22 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, जो लास्ट डेट होगी 12 अक्टूबर होगी, ठीक है। और जो फीस की लास्ट डेट होगी वो भी 12 अक्टूबर ही होगी। तो उसके बाद बात करें एग्जाम डेट की, तो फर्स्ट फेज के लिए जो प्री एग्जाम की डेट है वो 17 से 20 दिसंबर के बीच में होना है। और जो एडमिट कार्ड होंगे वो लगभग 7 से 10 दिन पहले आ जाएंगे। और मेंस की बात करें तो आपको जो मेन एग्जाम होगा वो जनवरी या फरवरी में होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें आपकी एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS के लिए 750 रुपए, SC ST के लिए 0। आप इसको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड किसी से भी पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें एज लिमिट की, तो आपकी एज लिमिट है आप 1/4/2022 को 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप एज कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो आप नॉर्मली गूगल पर सर्च मारेंगे एज कैलकुलेटर, तो एज कैलकुलेटर में आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा और एज ऑफ डेट मांगेगा, आपकी किस तारीख को कौन सी, ये आपकी पूरी कैलकुलेट होके आ जाएगी। आप नॉर्मली वहां पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसमें टोटल पोस्ट है 1673। तो इसमें पोस्ट बताएं जनरल के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, किसमें कितनी पोस्ट है वो हम आपको बता दें कि जो रेगुलर बैकलॉग, दो वैकेंसी है दो तरीके से है, ठीक है। तो रेगुलर पोस्ट के लिए आपकी 648 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 432, ईडब्ल्यूएस के लिए 160, एससी के लिए 240, एसटी के लिए 120, टोटल मिला के पोस्ट है आपकी 1600। उसके बाद बात करें बैकलॉग की, तो बैकलॉग के जनरल के लिए 0, ओबीसी के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 11, टोटल मिला के पोस्ट है 73। क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में आपकी अपीयरिंग है, अपीयरिंग भी फाइनल ईयर, अगर आपकी फाइनल ईयर अपीयरिंग है, आपका रिजल्ट नहीं आया, आप एग्जाम देने वाले हैं तो भी आप फिल कर सकते हैं, तो अपीयरिंग के लिए आपके लिए ऑप्शन है। तो उसके लिए बात करें डॉक्यूमेंट की, तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए आपका आधार कार्ड, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, अगर आप सेकंड ईयर में है फाइनल ईयर में तो सेकंड ईयर का रोल नंबर आप दे सकते हैं, आपका उससे फिल हो जाएगा। तो आपके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आधार कार्ड, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, फोटो साइन और आपका लेफ्ट थंब, तो ये आपका चाहिए। तो आपको बताएं आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। आप सरकारी रिजल्ट टाइप करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, तो आपको जाना है लेटेस्ट जॉब में, लेटेस्ट जॉब में SBI PO ऑनलाइन फॉर्म 2022 पर क्लिक करेंगे तो आपका ये खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या है इसमें सारी आपको क्या क्या मांगा है क्या क्या नहीं मांगा है, क्या आपकी फीस है, वो सब आपको शो हो जाएगा। तो आप नॉर्मली नीचे करेंगे स्क्रॉल को तो आप जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन पर, क्लिक हेयर कर देंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप ऊपर आएगा आपका क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले क्या करना है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मिलेंगे रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड, वो आपको नोट कर लेने हैं क्योंकि वो आगे यूज होंगे, आपके मेल और मोबाइल पर भी आ जाएंगे, आपको नोट जरूर कर लेने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉग इन करना है अपना आईडी पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड और कैप्चा कोड, जो सिक्योरिटी कोड आएगा वो यहाँ पे डाल के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा, फॉर्म अच्छे से बना है, इसमें कोई भी करेक्शन के लिए नहीं है। अगर फाइनल हो जाता है आपकी फीस कट जाती है तो आप ध्यान से भरे, सही से भरे, ठीक है। आप अपना फोटो का जो बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट बैकग्राउंड होगा, लाइट बैकग्राउंड होगा, तो आप उसको ध्यान में रखें, तो लाइट बैकग्राउंड आपको फोटो अपलोड करना है, ठीक है। तो आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन देते रहेंगे।